नमस्कार, राम राम, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, राधा स्वामी। आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। अगर आप धार्मिक हो, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो या किसी पंथ या गुरु के, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप नास्तिक हैं तो शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी देखे जरूर, क्योंकि इसे देखने के बाद आप भी आस्तिक हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के वीडियो की, राधा स्वामी सत्संग व्यास के बाबा जी के सवाल जवाब की, जिसमें बाबा जी हर तरह के सवालों का बेबाकी से जवाब देते हैं। आज भी नया वीडियो जारी हुआ है। सवाल जवाब अगर अंग्रेजी में हो तो उनका हिंदी रूपांतरण नीचे चल रही पट्टिका में लिखा रहा होता है। यह श्रद्धालु हर तरह के सवाल करते हैं, कोई रूहानियत की तो कोई भजन सुमिरन से विचलित करने वाले मन की, कोई शिक्षा की तो कोई परिवार की। सवाल करने वालों में युद्ध के अलावा अधेड़ बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं बाबा जी से किए गए भक्तों के सवाल और बाबा जी द्वारा दिए गए उनके जवाब का कुछ अंश। बाबा जी, मैं मुक्ति के विषय में जानना चाहती हूँ। भजन सिमरन में तरक्की होने के बाद कर्मों का नाश हो जाता है और आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाती है और निर्जीव शरीर संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मेरा प्रश्न है कि क्या इसे ही मुक्ति प्राप्त करना कहते हैं? क्या जीते जी मनुष्य मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता? हम जहाँ भी जिस अवस्था में भी है ना, कर्मों के कारण है। जब तक कर्म है जिंदगी चलती रहेगी, जब कर्म खत्म हो जाएंगे या मालिक जिम्मेवारी उठा लेगा हमारी, तब हमें मुक्ति मिलेगी, वो अवस्था हासिल होगी। अब जब तक शरीर में है कर्म तो चलते रहेंगे, तो ये जिसको हम जीते जी मरना कहते हैं ना, ये है कि ख्याल को नौ द्वारों से खाली करके आंखों के पीछे टकाना। आंखों के पीछे टकाएंगे, शब्द के साथ जोड़ेंगे, तो कर्मों उसके साथ कर्म सिर्फ खत्म नहीं होते, आपको इतनी ताकत मिलती है कि आप उनसे ऊपर उठ जाते हैं। कर्मों का हिसाब किताब वैसे तो देना पड़ेगा हर एक को, कर्मों आपको अपनी के नेड़े के दूर, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। सो हमने तो उस दायरे में आना है, जब हम सब कुछ उसके सपुर्द कर देंगे, वो जिम्मेवारी उठाएगा, तब मुक्ति मिलेगी। बाबा जी, आपके समक्ष बात करने का मुझे पहला ही अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कृपया ऐसे मौके फिर भी देते रहना, आपकी दया करते रहना। बाबा जी, मेरे दोनों बेटे बचपन में बहुत सत्संग में सेवा करते थे। अब बड़ा लड़का काफ़ी देर से इधर नहीं आ रहा, फॉरेन टूर तो हर साल लगाता है। मैं बहुत उसको कहता हूँ, फॉरेनर तो इधर आते हैं कि आप इधर आओ, वो नहीं आ रहा, मेरी नहीं समझ मनता, कृपा आप ही उसको समझाएं। हमने किसी से ज़बरदस्ती नहीं करनी। देखो, ज़बरदस्ती बच्चों से करेंगे वो रिएक्ट करते हैं। आपने तो खुद अच्छा वातावरण बना के अच्छा उदाहरण उनके सामने रखना है, उसके आगे उनकी मर्जी है। हम बच्चों जब तक उनको आज़ादी नहीं देंगे सोचने की और अपना मार्ग खुद चुनने की, तो बेटा वो रिएक्ट करते हैं। तो आप ज़बरदस्ती मत करें, इन चीज़ों को बहस में मत लाएं। आता है ठीक है, नहीं आता है आप छोड़ दें। मकसद यही है कि मालिक का शुक्र करें और मालिक साथ रिश्ता जोड़ें। बाबा जी, मेरे दो बेटियां जी, एक बड़ी ब्याह थी एक छोटी है जी, ते दोने एक स्कूल में पढ़ रही है, बच्चे बहुत अच्छे हैं जी। इस टाइम जब कोरोना चलिया जी, बड़े बच्चे सेवा कर रहे हैं, ते दिन रात मान लो लगे रहे, ते तड़के तो मन 3 बजे उठ के चले जाते हैं जी, ते बड़ी दया मेहर बनाई रखो बाबा जी। बेटा, सेवा ना अपना अपने वास्ते करनी है, किसी होर वास्ते नहीं करनी। मन विच एहो जी सोच बनाओ, क्योंकि सेवा दी लोड़ आपां नूं है, आपां नूं ही करांगे, कोई होर कर लूगा बेटा। सो ये भी मालिक दी बड़ी बख्शिश है कि उन्हें आपां नूं सेवा दित्ती हैगी है, उहदी आपां कदर करिए और मालिक दा शुक्र करिए कि उन्हें अपने उत्ते इन्नी बख्शिश की। ठीक है जी, राज राज सुन लो। बाबा जी, पहला मेरा प्रश्न मेरी माता जी दा ये जी, उन्होंने बाबा जी सावन सिंह जी महाराज तो नामदान लिया सी जी, तो उन्होंने
चढ़ाई शब्द स्वरूप अंदर प्रकट भी होंदे सी ते धुन भी चलती सी, पर किसी कारण उन्हां दी पता नहीं हुण शब्द स्वरूप भी नहीं आ रहा ते धुन भी नहीं चल रही। पता नहीं तुसी किन्ना चीज़ां विच पै जांदे हो, मालिक कोई चीज़ दे के वापस नहीं लैंदा, उहदे घर च किसे चीज़ की कमी नहीं कि एक तो लैके दूजे नूं देनी है उन्हें। हुण साडा ध्यान भटक जांदा बेटा, भटक जांदा हैगा। देखो जिथे तिकर प्रकाश है या जिथे तिकर धुन है उन्हें तो उस लहजे में चलना है, वो वधदी घटदी नहीं गी, वधदा घटदा साडा ध्यान है। सो साडा ध्यान भटक जांदा है, असी बीमारी विच या किसी फिक्र विच या होर किसी चीज़ विच साडा ध्यान चले जांदा है, सानू ऐ लगदा कि वो चीज़ मालिक ने वापस लै ली। मालिक नहीं वापस लैंदा, साडा ध्यान भटक जांदा है। ध्यान नू वापस लियावांगे उही अवस्था फिर हो जूगी बेटा। फिर क्या बाबा जी उन्होंने हुण मुक्ति मिल सकती है? बेटा मुक्ति तो सारे नू मिल सकती है, जे मालिक ने इंसान का जामा बख्शिया हैगा इहदा मतलब है कि सानू उस लायक समझिया है कि असी भगती करके उहदे नाल मिलाप हासिल कर सकी, तो वह तो आपां नू सारे नू मिल सकती है बेटा। बाबा जी दूजा मेरा क्वेश्चन है जी, छोटे ब्रदर नाल मैनू 23 साल इत्थे डेरे च सेवा करन दा मौका मिलिया जी, छोटी बीमारी कारण उन्हां दी डैथ हो गई सी। आपां एक दूसरे का दुख सुख देख लैंदे सी, हुण थोड़ी जी प्रॉब्लम आउंदी है बाबा जी। नहीं बेटा आपां सारा ही एक परिवार है, सारे एक दूजे का दुख सुख देखना चाहिए बेटा, आपां दायरा छोटा क्यों करना है, डेरे में सारे ही एक दूजे का दुख सुख देखणगे बेटा, सारे ही आपां भैन भरा हैं। बाकी बाबा जी भजन सेवन तो जिन्ना क असी करते हैं जी उन्ना क करो बेटा, ये तो साडा फर्ज बनता बेटा, अपनी रोड नू करना है आपां। हाँ जी बाबा जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो साडा हक हुंदा है, मतलब कि जो सानू पता कि वह साडा हक हैगा, वह सानू जां तां रब दे उत्ते छड्ड देना चाहिए कि रब चाहुंदा कि छड्ड दो, तुहाडे वास्ते हक है नहीं, काफ़ी देर तो नहीं मिल रहा, साडे हक च नहीं आ रहा। कहिंदे हो बेटा हक किहनू कहिंदे हो तुसीं? पहले आप ये तो समझ लीए ना कि साडा हक की है बेटा। आप औगणा दे भरे होए हैं, कर्मां दे लदे होए हैं, किहड़ा हक जता रहे हैं बेटा? देखो इंसान हद की गल करता है, हरेक हक दे नाल एक जिम्मेवारी जुड़ी है। हुण इंसान हक की गल कर लूगा जिम्मेवारी नू भुल जांदा। सो इस करके बेटा आपां तां उहदे अगे कुछ भी नहीं, आपां हक नहीं जताना, आपां तां उहदे भाणे विच रहना, उहदी रजा उहदे हुक्म विच रहना बेटा। बाबा जी मेरा सैकेंड क्वेश्चन यह है कि असीं दो सिस्टर्स आ, ते लोग काफ़ी पुछते भी है पेरेंट्स नूं कि तुसी मतलब कि किन्ने भैन भरा हो, जो तो पेरेंट्स मतलब कि पूरे जोश में कहते कि हाँ जी साढ़े दो बेटियां हैं, तो मतलब अगो लोग काफ़ी कहते हैं कि थोड़ा कोई ब्रदर नहीं हैगा, तो इस करके मतलब पेरेंट्स नूं काफ़ी मतलब अगों पेरेंट्स कुछ कहते नहीं। ना समझ है दुनिया, जिन्ना कुड़ियां माँ बाप वास्ते कर दियां मुंडे कदे भी नहीं करते, माँ बाप की संभाल आखिर कुड़ियां ही कर दियां जाके। सो इस करके बेटा आपा दुनिया तो की लेना हैगा, तुसी भावें दुनिया चंगा कवे माड़ा कवे, तुसी अपने माँ बाप की सेवा करो, तुसी माँ बाप की देखभाल करो, जदों अगे कोई मुसीबत पई दुनिया ने थोड़ी आके अपने नाल खड़े होना हैगा, कदे भी इन्हां चीज़ां च नहीं पैना चाहिए बेटा। ते उन्हां लोकां नूं की कहना चाहिए? कानू कहना आपा, जे उन्हां नूं समझ नहीं तो आपा कानू उन्हां नाल मत्था मारना बेटा। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना यहाँ सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहता है, जिसका पूरा वीडियो तो हम आपको अपनी नीतियों के कारण नहीं दिखा सकते, लेकिन वीडियो को देखने के लिए लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। जी हाँ, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हर वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब